आचार संहिता लगने के साथ साथ होली व ईद का भी त्यौहार नजदीक है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए होली ईद जैसे बड़े त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसको देखते हुए आचार संहिता का उल्लंघन न हो पाए इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों तथा संबंधित स्थानों में होली मिलन समारोह की सूचनाओं देकर पुलिस प्रशासन का भी इन त्यौहारों पर पूर्ण सहयोग लें तथा शांतिपूर्वक दोनों ही त्यौहारों को मनाएं। फुलेकूल की नगरी आगरा में हम सभी एक दूसरे के त्योहारों मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव के मद्देनजर भी हम सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे और आचार संहिता के चलते संबंधित थानों में सूचनाओं देकर अपने थाने को भी कार्यक्रम में भागीदारी बनाएंगे। राम भाई, हाल ही में एक बयान आया कि त्योहार के सीजन में भी लेनी पड़ेगी पुलिस अनुमति, तो क्या कहेंगे इस पर कि होली और ईद लगभग नज़दीक है और दोनों ही त्यौहार दोनों समाज के लिए सबसे बड़े त्यौहार माने जाते हैं, होली मिलन या ईद मिलन, तो उनकी अनुमति क्या देना अनिवार्य शुरू से है या अब ये लागू हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली में होली के पर्व पर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी ना ईद पर, लेकिन आचार संहिता जब लग चुकी है तो इसमें मैं समझता हूँ कि लोग जिस तरीके से खुल करके अपने त्योहारों को मनाते थे तो मनाएंगे तो उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम लोग अपनी जो कार्यक्रम करें उसकी एक सूचना पुलिस विभाग को भी दें। थाने से अवेलेबल हो जाएगी सूचना के आधार पर या आपको कलेक्टर से अनुमति देनी पड़ेगी, क्या रहेगा इसका सिस्टम? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसको अपने थाने पे ही दे दिया जाएगा और वहीं से इसका कार्यक्रम सुनिश्चित होगा, क्योंकि ज्यादा पुलिस प्रशासन भी और प्रशासन इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा, आने वाले दोनों ही त्यौहार बड़े त्यौहार हैं, तो किस तरह से हम सभी को मनानी चाहिए, ईद या होली? होली 25 की है तो ईद जो है 11 की पड़ेगी, 11 अप्रैल की। बड़े शांति और प्रेम के साथ अपने अपने त्योहारों को मनाएं और मैं समझता हूँ कि हमारा आगरा ताज नगरी और प्रेम की नगरी है, तो यहाँ तो वैसे भी लोग बड़े प्रेम से होली और ईद के पर्व को मनाते रहे हैं, मनाएंगे और प्रेम से मना करके आगे चुनावों की तैयारी करेंगे। चुनाव के दौरान ये दोनों ही त्यौहार हैं, तो किस तरह से आगरा वासी चुनाव को लेंगे इन त्यौहारों पर? त्यौहार पे मैं समझता हूँ कि सब लोग प्रेम से अपने त्यौहार को मनाएंगे, उसमें राजनीति का कोई वो नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने शिविर लगाती है, जैसे मेले लगते हैं और अपने अपने कार्यक्रम भी करते हैं, तो सब लोग बड़े प्रेम के साथ अपने त्योहारों को मनाएंगे और मनाने भी चाहिए प्रेम से त्यौहार। सभी धर्म और सभी जाति के लोग अपने अपने प्रेम से त्यौहार मनाएं। गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन के प्रत्याशी आगरा से कौन कौन होंगे और किस तरह से गठबंधन को कांग्रेस कार्यकर्ता लेगा आगरा में? आगरा में जब प्रत्याशी आएगा गठबंधन का, तो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सभी दल जो गठबंधन में है तो वो प्रत्याशी के साथ में आगे बढ़ेंगे। माहौल किस तरह का बनाया जा रहा है आगरा में गठबंधन को अब लेकर? अब प्रत्याशी आए तो उसके बाद में माहौल भी बनना शुरू होगा, पहले तो त्योहार मनाएंगे सब लोग, उसके बाद इस ओर आगे बढ़ेंगे।